हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो के अंदर पढ़ते हैं अपने सोइल प्रोफाइल के बारे में, यानी मृदा परिच्छेदिका। तो मृदा परिच्छेदिका क्या होता है, ये जो टॉपिक है मुख्य रूप से सोइल केमिस्ट्री का टॉपिक है, और इसमें से कई प्रकार के छोटे व बड़े क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन में भी इस टॉपिक का अहम योगदान होता है। तो जो सोइल प्रोफाइल है, सबसे पहले इसके अपने डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होती है कि सोइल प्रोफाइल आखिर है क्या, इस टॉपिक के बारे में अपने आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिस्कस करेंगे। इससे पहले आपको एक काम करना है, ये जो चैनल है एमके वर्मा एग्रीकोर्स, इसको प्लीज़ आप सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी भी ज़रूरतमंद या फिर जो टॉपिक को देखना चाहते हैं उन स्टूडेंट को ये चीज़ें अवेलेबल हो सके। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो अपने। तो इसमें अपना जो टॉपिक है वो है सोइल प्रोफाइल। तो सोइल प्रोफाइल जो है, अपने मान लो मिट्टी है इस प्रकार से पृथ्वी, और इसकी अपने नीचे की तरफ, ठीक है, यानी कि वर्टिकल, एक होता है हॉरिजेंटल, एक होता है वर्टिकल, ठीक है। वर्टिकल है यानी कि ऊर्ध्वाधर है। इस प्रकार से अगर अपने काट काटते हैं, ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये इसके इक्वल ही है, यानी जो ये स्ट्रक्चर है वो ये। तो इस प्रकार से अगर अपने काट काटते हैं तो ये चीज़ें अलग अलग, यानी कि रंगों के अनुसार या फिर उसकी जो कणों की जो संरचना वगैरह है, या कुछ एक पोषक तत्वों के अनुसार, यानी कि अलग अलग जगह पर अलग अलग पोषक तत्व पाए जाते हैं, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ठीक है, इस प्रकार से। तो उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जो अलग अलग रंगों में विभक्त हो जाती है, ठीक है, कलर है, यानी कि जो रंग हैं वो अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पर अलग रंग होगा, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर अलग है, ये इस प्रकार से। तो जो इस अकॉर्डिंग ये जो मिट्टी है वो अलग अलग संस्तरों, यानी कि जिनको ओरिजिन बोलते हैं अपने, तो ओरिजिन के अंदर अलग अलग बांट दिया जाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं सोइल प्रोफाइल, यानी कि मृदा परिच्छेदिका। इस चीज़ को मृदा परिच्छेदिका बोलेंगे पूरे को, ठीक है। ये जो अपने काट काटी है वर्टिकल मिट्टी की, उसको अपने मृदा परिच्छेदिका नाम देंगे। तो सिंपल सी बात है, मृदा परिच्छेदिका, तो मृदा परिच्छेदिका का मतलब यही है कि मृदा की अगर इस प्रकार से, यानी कि ऊर्ध्वाधर काट काटी जाती है, तो उसके अंदर उसके रंग या फिर कणों की प्रकृति के अनुसार अलग अलग संस्तर, यानी कि होरिजन दिखाई देते हैं, जिन्हें अपने क्या कहते हैं, मृदा परिच्छेदिका नाम देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई इसकी डेफिनेशन। अब अपने बात करते हैं नॉर्मल कि इसके अंदर कौन कौन से ओरिजिन पाए जाते हैं, ठीक है। तो ओरिजिन इसके अंदर मुख्य रूप से चार होते हैं, इसके अलावा दो और भी पाए जाते हैं, और अलग अलग क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग अलग अलग ओरिजिन बताए गए हैं। तो मुख्य रूप से ये ओरिजिन है, ठीक है, जहाँ तक ये होते हैं। इसके अलावा आर भी ओरिजिन माना गया है, इसके अलावा एक ई भी ओरिजिन होता है। ई जो होता है वो ए और बी के बीच में माना जाता है, यानी ए और बी के बीच की जो जकड़ी है वो ई होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं ओ ओरिजिन की, यानी इस प्रकार से अलग अलग इनको बांटा गया है, ओ ए बी और सी ओरिजिन के रूप में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर अपने बात करें ओ ओरिजिन, ओ ओरिजिन जो है वो आप याद रख लेना, ओ ओरिजिन जो है वो मुख्य रूप से फॉरेस्ट वाले जो एरिया हैं, यानी कि जंगली जो भूमि है, उन भूमियों के अंदर पाया जाता है ओ ओरिजिन। तो ये चीज़ आप याद रख लेना, जो ओ ओरिजिन है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाया जाता है, ठीक है। फॉरेस्ट एरिया के अंदर कौन सा होगा, ओ ओरिजिन क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर मुख्य रूप से पेड़ पौधे होते हैं, ठीक है, और पेड़ पौधे जहाँ पर ज़्यादा होंगे तो वहाँ पर पौधे की पत्तियाँ वगैरह हैं वो यहाँ पर पड़ी रहेंगे। और जो ओ ओरिजिन है वो याद रख लेना, ये इसके अंदर क्या होता है कि यह है अपघटित नहीं होता है, यानी कि इसके अंदर मुख्य रूप से ह्यूमस की मात्रा भी ज़्यादा पाई जाती है,
और अपघटित हो रहा होता है, ठीक है, यानी कि यह अपघटित होना शुरू होता है। तो इसको मुख्य रूप से होरिजन के अंदर शामिल नहीं किया जाता है, क्योंकि यह सभी मृदाओं के अंदर नहीं पाया जाता है, और यह वन वाली भूमियों के अंदर पाया जाता है, क्योंकि यहाँ पर कार्बनिक पदार्थ यानी पत्तियाँ वगैरह हैं या फिर पौधों के अन्य अवशेष हैं, वो यहाँ पर सड़गल करके तैयार होते हैं। मुख्य रूप से अपने फसलें उगाते हैं उन भूमियों के अंदर ए होरिजन से स्टार्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि जो ऊपर वाला होरिजन है वो एब्सेंट होता है, क्योंकि बार बार निराई गुड़ाई वगैरह जुताई वगैरह करने से जो ओ होरिजन है वो इसके अंदर पूर्णतः मिल जाता है। यानी जो ओ और ए होरिजन है वो केवल ए होरिजन का निर्माण कर लेते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, जो ओ होरिजन है वो फॉरेस्ट एरिया के अंदर पाया जाता है, और जिनको बोलते हैं अपने वर्जिन सॉइल, ठीक है, वर्जिन सॉइल जो है यानी जहाँ पर बिल्कुल एक दो बार भी जुताई वगैरह नहीं की गई है या फिर खेती नहीं की जाती है जिन भूमियों के अंदर, उन भूमियों के अंदर ओ होरिजन पाया जाता है, क्योंकि उनमें अपघटित नहीं हो पाता कोई भी कार्बनिक पदार्थ जल्दी से, और वो मिट्टी के ऊपर ऐसे ही पड़ा रहता है। तो वर्जिन सॉइल के अंदर कौन सा ओरिजन पाया जाता है, याद रख लेना, ओ होरिजन, ठीक है। अब ओ होरिजन तो हो गया है कंप्लीट, ठीक है। इसके अंदर मुख्य रूप से अपने को पता है कि ह्यूमस पाया जाता है, तो ह्यूमस होने की वजह से इसमें क्या होगा कि ह्यूमस अपने को पता है किस कलर का होता है, ब्लैक होता है मुख्य रूप से, क्योंकि इसमें कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। तो ह्यूमस ब्लैक होने के कारण इस मृदा का कलर जो है वो क्या होगा, ब्लैक ही होता है, यानी कि ये जो मृदा है, मिट्टी है, वो काले रंग की होती है, यानी वो ओरिजिन है वो मुख्य रूप से ब्लैक कलर का मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे अपने बात करते हैं ए ओरिजिन की। ए ओरिजिन, इसको अपने जो खेती योग्य भूमि है जिनको अरेबल सोयल बोलते हैं, ठीक है, अरेबल सोयल के अंदर, अरेबल सोयल यानी कि जहाँ पर जुताई वगैरह की जाती है उन मिट्टी के अंदर यह ओरिजन पाया जाए, यानी सबसे ऊपर वाला जो ओरिजन है वो होता है इसको, यानी कि ओ सॉरी बी जो ओरिजन है वो सब सॉइल कहा जाता है, यानी कि ऊपर वाली जो सॉइल है उसके नीचे यह पाया जाता है, और जो ए होरिजन है वो खेती योग्य भूमि है, जैसे अपने खेती करते हैं और उन भूमियों के अंदर यह मुख्य रूप से सबसे ऊपर है वो पाया जाता है, वरना जो फॉरेस्ट वाले एरिया हैं वहाँ पर कौन सा होरिजन सबसे ऊपर होता है, ओ होरिजन मुख्य रूप से सबसे ऊपर पाया जाता है। अब इसके अंदर अपने को याद रखना पड़ेगा ए होरिजन के अंदर न्यूट्रिएंट हैं, न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, न्यूट्रिएंट ज़्यादा होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ए होरिजन के अंदर अपने खेती वगैरह करते हैं, समय समय पर जो फर्टिलाइज़र वगैरह हैं या फिर मैन्योर्स वगैरह हैं उनका छिड़काव करते हैं, ठीक है, इसलिए न्यूट्रिएंट की मात्रा है वो ज़्यादा पाई जाती है। उसके बाद में अपने न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा पाई जाएगी, पानी वगैरह अपने ज़्यादा लगाते हैं, सिंचाई ज़्यादा करते हैं, वर्षा का जल है वो इसके सीधे संपर्क में आता है, इसलिए जो मिनरल्स वगैरह हैं, ठीक है, उनको जो नीचे जाने की जो क्रिया यानी कि लीचिंग है, ठीक है, लीचिंग याद रख लेना, लीचिंग जो है वो सबसे ज़्यादा होता है इसके अंदर, लीचिंग ज़्यादा होगा, लीचिंग ज़्यादा होने के कारण जो मिनरल्स वगैरह हैं वो बी होरिजन के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, इसलिए इस होरिजन को अपने क्या बोलते हैं, वॉशिंग आउट होरिजन, ठीक है, वॉशिंग आउट होता है, यानी कि यहाँ से कोई भी मिनरल्स वगैरह या न्यूट्रिएंट है वो चले जाते हैं, ठीक है, नीचे चले जाने की क्रिया को क्या बोलते हैं, आउट, आउट यानी कि बाहर जाने की क्रिया जो है वो वॉशिंग आउट कहलाती है। तो अगर पूछा जाए कि वॉशिंग आउट जो रिएक्शन है वो किस ओरिजन के अंदर पाई जाती है, तो वो होगा
इसका ए होरिजन, ठीक है। अब आगे अपने बात करते हैं बी होरिजन, ठीक है। और मैंने पहले बताया था जो ई होरिजन है वो ए और बी के बीच में पाया जाता है, तो यहाँ पर ई होरिजन पाया जाता है। ए होरिजन मुख्य रूप से क्या है, ए वन, ए टू और ए थ्री के अंदर डिवाइड होता है, ठीक है। या फिर इसको अपने बोलते हैं ई वन या ई टू, ठीक है, ई वन या ई टू के रूप में इसको डिफाइन किया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो इसी के अंदर आ जाती है। आगे इसमें है बी होरिजन, ठीक है। बी होरिजन जो है वो मैंने बताया है सब सॉइल कहलाता है, ठीक है, सब सॉइल होरिजन। सब सॉइल यानी कि जो ऊपर वाली सॉइल है उसके ठीक नीचे वाला जो होरिजन पाया जाता है वो सब सॉइल के अंदर आता है। सब सॉइल होरिजन कौन सा होता है, बी होरिजन। इसके अलावा इसके अंदर जो ए होरिजन है उसी प्रकार सिस्टम है। ए होरिजन से कोई भी चीज़ जो है वो वॉशिंग इन होती है, यानी कि बी होरिजन के अंदर ठहरती है आकर के, इसलिए इस होरिजन को अपने क्या कहते हैं, वॉशिंग इन होरिजन, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद कर लेना, ठीक है, वॉशिंग इन होगा ये, वॉशिंग इन यानी कि इन का मतलब है अंदर आना, तो वॉशिंग इन यानी कि यहाँ पर न्यूट्रिएंट्स वगैरह हैं वो सारे इकट्ठे होते हैं, तो बी ओरिजन वॉशिंग इन होरिजन के रूप में कहा जाता है। इसी प्रकार अगर मिनरल्स वगैरह या न्यूट्रिएंट के बारे में बात करें तो ए होरिजन है, उसके अंदर रिएक्शन होती है, उसको बोलते हैं एलुविएशन, ठीक है। और जो बी ओरिजिन के अंदर रिएक्शन होती है उसको बोलते हैं इल्यूविएशन, ठीक है। यानी कि जो ई है वो पहले आता है तो ए भी पहले आता है, तो इस प्रकार से ए ओरिजिन के अंदर एल्यूविएशन होगा, बी ए के बाद में आता है और आई है वो भी ई के बाद में आता है, तो इल्यूविएशन जो रिएक्शन है वो बी ओरिजिन के अंदर होती है। तो एल्यूविएशन का मतलब वो ये कि न्यूट्रिएंट है वो ऊपर से नीचे की ओर आते हैं, तो ई होरिजन सॉरी ए के अंदर एलुविएशन होगा और बी के अंदर इल्यूविएशन क्रिया होती है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। अब आगे बात करते हैं सी होरिजन की। तो सी जो होरिजन है वो मुख्य रूप से जो ये जो चट्टानें हैं इनको इनके टूटने के कारण यानी कि वेदरिंग होने के कारण ये जो सी होरिजन है उसका निर्माण होता है। इसके अंदर मुख्य रूप से कोई भी जो पोषक तत्व हैं वो नहीं पाए जाते हैं और ये अनुपयोगी होता है, और कृषि क्षेत्र के अंदर इस होरिजन का मुख्य रूप से कोई रोल नहीं है। आर जो होरिजन है वो बेड रॉक होती है यानी कठोर चट्टानें होती है, इसका भी कोई यूज नहीं होता है मुख्य रूप से। आगे है इसके अंदर अब कुछ और जानते हैं इसके बारे में। जो नॉर्मल ओ होरिजन होता है उसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं क्योंकि ह्यूमस की मात्रा इसके अंदर ज़्यादा होती है, ठीक है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी कार्बनिक पदार्थ जहाँ पर पाए जाते हैं उनको सड़ाने गलाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म की आवश्यकता पड़ती है, तो माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म है वो ओ और ए होरिजन के अंदर, ठीक है, याद रख लेना, ओ और ए होरिजन के अंदर इसकी संख्या क्या होती है, ज़्यादा होती है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य रूप से वायु का संचार है रंध्रों के अंदर वो भी ज़्यादा होता है और जो जल वगैरह की क्रियाएं हैं वो भी ज़्यादा होती है, यानी समय समय पर वायु और जल है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को मिलते रहते हैं, इसलिए ये अपनी ग्रोथ यहाँ पर इस एरिया के अंदर ज़्यादा करते हैं, ठीक है। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किस क्षेत्र के अंदर या फिर किस ओरिजन के अंदर मुख्यतः पाए जाते हैं, ओ और ए के अंदर पाए जाते हैं। और जो अपने पेड़ पौधे होते हैं या फिर फसलें होती हैं वो मुख्य रूप से यहाँ तक बस सीमित होती हैं, ठीक है। कृषि के लिए यानी टिलेज के लिए इस ओरिजन का उपयोग नहीं किया जाता, केवल इतने ओरिजन का उपयोग किया जाता है जिसको अपने बोलते हैं टॉप सॉइल,
यानी सब सॉइल से जो ऊपर वाली जो लेयर होती है यानी कि ऊपर वाली जो मृदा होती है टॉप सॉइल कहा जाता है उसको, और जो ये होता है यानी बी होरिजन है उसको सब सॉइल के रूप में माना जाता है यानी सब सॉइल कहा जाता है, और जो सी होरिजन है वो हार्ड होता है। ठीक है, हार्ड लेयर होती है, तो हार्ड लेयर होने के कारण उसको क्या है कि हार्ड लेयर की वजह से यह खेती योग्य भूमि के रूप में काम में नहीं लिया जाता है, न ही इनके इसके अंदर न्यूट्रिएंट वगैरह की मात्रा पाई जाती है। इसके अलावा यहाँ पर सर्वाधिक क्या होता है, इलुविएशन होता है, और बी होरिजन के अंदर सर्वाधिक क्या होता है, इलुविएशन होता है। वाशिंग इन और वाशिंग आउट के बारे में आपको बता दिया है कि जहाँ से कोई भी न्यूट्रिएंट वगैरह वो बाहर जाते हैं वो वाशिंग आउट होता है, तो ए होरिजन से नीचे की तरफ आते हैं तो ए होरिजन वाशिंग आउट हो गया, और इन यानी कि अंदर आना तो वाशिंग इन, बी होरिजन के अंदर न्यूट्रिएंट लीचिंग के द्वारा यानी जल के साथ में बहकर आते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, वाशिंग इन कहा जाता है। तो इसके अंदर मुख्य रूप से क्या होता है कि बहुत सारे जो मिनरल्स वगैरह हैं वो सारे बी होरिजन के अंदर इकट्ठे होने लगते हैं, तो बी होरिजन के अंदर मुख्य रूप से जो क्या हैं कि कार्बोनेट वगैरह हैं, ठीक है, कार्बोनेट हैं या फिर सल्फेट हैं, SO4 2-, ठीक है, जो ये आयंस हैं वो इकट्ठे होने लगते हैं, और ये किससे होते हैं, Mg, एल्यूमिनियम, आयरन, ये जो तत्व होते हैं इनके साथ में वाशिंग आउट होकर के बी होरिजन के अंदर इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं, इसलिए बी होरिजन के अंदर इन सब की सांद्रता है वो बढ़ जाती है। और जो मुख्य रूप से अपने एक चीज़ और है इसके अंदर, एक चीज़ है इसके अंदर बताया गया है कि जो ए और बी होरिजन जो है, ए और बी होरिजन है वो कहलाते हैं सोलम, तो ये चीज़ आप याद रख लेना, ए और बी होरिजन है वो सोलम कहलाते हैं, ठीक है, ए और बी होरिजन इतने पूरे पोर्शन को अपने क्या कहेंगे, सोलम कहते हैं। तो ये नॉर्मल थोड़ी बहुत जानकारी थी सॉइल प्रोफाइल के बारे में, तो इसको आप देख लेना, नॉर्मल यही चीज़ें आती है इसके अंदर कि किस ओरिजिन को क्या कहा जाता है, कौन सी रिएक्शन कहाँ पर होती है, और मुख्य रूप से जो अगर ओरिजिन पूछे जाएँ तो चार ही होते हैं, ओ ए बी और सी होते हैं, और जो आर है वो बेडरॉक है यानी इसका कोई रोल नहीं होता है, इसको माना नहीं जाता है, और ई जो ओरिजिन है वो ए और बी के बीच में पाया जाता है, इसका भी कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, तो ओ ए बी और सी माना गया है। मुख्य रूप से खेती योग्य भूमियों के अंदर तीन होरिजन पाए जाते हैं, जहाँ पर खेती नहीं की जाती है यानी वर्जिन सॉइल होती है वहाँ पर ओ ए बी और सी चार होरिजन पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से आज की वीडियो के अंदर केवल इतना ही था, तो ये छोटी सी कोशिश की है सॉइल प्रोफाइल बताने के बारे में, तो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, आप शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और इसके अंदर कौन कौन सी कमियां हैं वो भी बताइएगा ताकि आगे सुधार किया जा सके, और अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिएगा, धन्यवाद।